दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम को बेहतरीन T20 टीम मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज खेल रही है, जिसके पहले दो मुकाबले जीतकर भारतीय टीम ने सीरीज को अपने नाम तो कर ही लिया है, साथ ही साथ तीसरे मुकाबले को भारतीय टीम जीतने की कोशिश करेगी और वेस्ट इंडीज टीम को क्लीन स्वीप करना चाहेगी। और तीसरे T20 मुकाबले की तैयारी और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए भारतीय टीम ने एक इंट्रा स्क्वाड मैच भी खेला है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाले इंट्रा स्क्वाड मैच की हाइलाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है भारत का सबसे बेहतरीन T20 सलामी बल्लेबाज कौन है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय टीम ने एक इंट्रा स्क्वाड मैच खेला है, जिसमें भारतीय टीम सबसे पहले तो दो भागों में बट गई थी, जिसमें एक टीम की कप्तानी रोहित शर्मा ने की तो वहीं दूसरी टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव ने की। और रोहित शर्मा की टीम में ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, दीपक हुड्डा, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर और युजवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ी शामिल थे। तो वहीं सूर्य कुमार यादव की टीम में भी ऋतुराज गायकवाड़, वेंकटेश अय्यर, शार्दुल ठाकुर, हर्षल पटेल और कुलदीप यादव, वहीं रवि बिश्नोई शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले ही रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए रोहित शर्मा और ईशान किशन खेलते हुए दिखाई दिए और दोनों ने ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में 60 रन बिना किसी नुकसान के बना दिए। और अगले ओवर में गेंदबाजी के लिए रवि बिश्नोई आए और उन्होंने 1 ओवर में कप्तान रोहित शर्मा को आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए श्रेयस अय्यर आए और इन्होंने 5 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्के लगाकर अपना विकेट गंवा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए दीपक हुड्डा आए और ईशान किशन के साथ शानदार साझेदारी की। वहीं 15वें ओवर में ईशान किशन अपना अर्धशतक जड़कर रवि बिश्नोई के हाथों आउट हो गए और अब अंत में दीपक चहर और दीपक हुड्डा दोनों ही खिलाड़ियों ने शानदार साझेदारी करते हुए बेहतरीन फिनिश किया और 20 ओवर में 145 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए। वहीं सूर्य कुमार यादव की टीम को 146 रनों का लक्ष्य दिया गया, जिसके लिए बल्लेबाजी करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के साथ खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी के लिए उतरे और दोनों ही खिलाड़ियों ने प्रत्येक ओवर में 15 से ज्यादा रन निकाले और पावर प्ले के अंतिम ओवर में 3 चौके और 3 छक्के की मदद से 30 रन बटोर लिए और इसी तरीके से पावर प्ले में 90 रन बटोर कर दोनों ही खिलाड़ियों ने प्रदर्शन को जारी रखा, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने अपना अर्धशतक जड़ दिया और अब गेंदबाजी के लिए युजवेंद्र चहल आए और उन्होंने एक ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों को मात्र 2 रन देकर आउट कर दिया, जिसके बाद दबाव सूर्य कुमार यादव की टीम पर आ गया और बल्लेबाजी के लिए वेंकटेश अय्यर और शार्दुल ठाकुर दोनों ही खिलाड़ी शानदार साझेदारी कर रहे थे। लेकिन युजवेंद्र चहल ने अपने स्पेल का अंतिम ओवर डालकर दोनों ही खिलाड़ियों को फिर से आउट कर दिया और अब पूरी तरीके से रोहित शर्मा की टीम जीत के कगार पर पहुंच गई। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए हर्षल पटेल, कुलदीप यादव ने सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की, लेकिन 24 गेंदों पर 18 रन की जरूरत थी और दोनों ही बल्लेबाजों ने बिना बाउंड्री लगाए शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और अब 6 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत थी और अंतिम ओवर डालने के लिए दीपक चहर गेंदबाजी के लिए आए और पहली गेंद पर कुलदीप यादव को आउट कर दिया। वहीं अगली 2 गेंदों पर 2 चौके हर्षल पटेल ने जड़ दिए और अंतिम 3 गेंदों पर जीत के लिए 2 रन की जरूरत थी। वहीं हर्षल पटेल भी आउट हो गए और अब 2 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत थी और रवि बिश्नोई ने 1 गेंद पहले ही मुकाबले को सूर्य कुमार यादव की टीम को जिता दिया और इस जीत के साथ भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ काफी खुश हुए और अपनी टीम से तीसरे T20 मुकाबले को जीतने की उम्मीद लगाए हुए हैं। वैसे दोस्तों, तीसरे T20 मुकाबले को कौन सी टीम जीत सकती है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।